लड़के का चक्कर लगाने आया अभी। सीधा चलो 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 जी, वी आर बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। तो भाई क्या हाल है, फिर से वापसी एक न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज शिवरात्रि। सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि शिवरात्रि आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेके आएगी। तो आज ये मेला शिव मंदिर पे, तो अभी चलते हैं, कपिल वाले रेडी हो जाए उसके बाद ही चलेंगे। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका भाई आज कैसा लग रहा है। अभी चलते हैं, अभी निकल चुके हैं, अभी यहाँ पे सूरज भाई की दुकान पे खड़े हैं, कपिल का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए फ्रेंड के साथ। और मास्क के लिए इसलिए पहना है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सो गाइस, इसे प्याऊ बोलते हैं जहाँ पे दिन के टाइम शरबत तो और चने होते हैं। सो गाइस, अभी मंदिर के बाहर तो पहुंच चुके हैं, अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं कितनी ज्यादा भीड़ और कितनी ज्यादा ट्रैफिक के अंदर। पब्लिक बहुत थी मंदिर पे, तो इसलिए सिक्योरिटी भी एकदम टाइट थी। और अभी चलते हैं अंदर। मेले में पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं अंदर बाबा के दर्शन करने। सबसे पहले तो मार्केट से दरवाजे से चलेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, आप देख सकते हैं। तो दूसरे दरवाजे से चलेंगे हम। सो गाइस, भंडारे का दरवाजा जो भी बहुत ही ज्यादा भीड़ होने के कारण बंद है, क्योंकि अंदर भी लोग बैठे हैं, वो फ्री हो जाएगा। हमें चप्पल भी उतार दी है, अभी चलते हैं ऊपर दर्शन के लिए। सो गाइस, आधा घंटा हो गया यहाँ पे वेट कर रहे हैं गुरु के दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए, बस इंतजार कर रहे हैं दर्शन का। एक घंटे बाद हमें बाबा के दर्शन करने के लिए मिले, और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में भीड़ है, फिर भी हमें दर्शन मिल गए बाबा के, सदाशिव हर हर महादेव। और उसके बाद हमने आरती भी ली। जय माता दी। दर्शन तो हो गए भगवान जी के, अभी चलते हैं नीचे की ओर। उसके बाद हम आ गए सीधा भंडारे की, और जहाँ पे भंडारे की तैयारियां चल रही थी, और यहाँ पे सबने भंडारा किया। एंड देन हम आ गए थे मार्केट की, और मार्केट का थोड़ा बहुत चक्कर लगा। A few moments later. तो गाइस, अभी हमारे सिकरी भाई हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाएंगे, हमारा तो उपवास है, तो हम सिर्फ आइसक्रीम ही खाएंगे। नहीं, वो उतने पैसे नहीं, इतनी बजट नहीं है मेरी, बाकी सब लोग कोल्ड ड्रिंक ही पिएंगे भाई। करते हैं, कौन कौन चाहता है हमें सिके भाई बोतल कोल्ड ड्रिंक पिलाएं? सिके भाई पिलाएं, बताओ सिके भाई। सिके भाई, सुरेश सिके भाई, सिके भाई उज्ज्वल, सिके भाई, सिके भाई भाई, अब तो पिलानी पड़ेगी। हमारा एक फ्रेंड खेताराम अपना नाम लिखा रहा था हाथ पे। फिर
अभी बचे सुबह के 6 और जिन्हों का उपवास था उनको सत्संग के बाद प्रसादी भोजन खिला रहे व्रत को खिला रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे उपवास खोल दिया अपना। अभी चलते हैं घर। 5 hours later हम चले गए थे सुबह घर और जैसे ही उठे दिन के 2 बजे वापसी चले गए मंदिर की ओर और मंदिर पे चल के आपसे मिलते हैं सबसे भाई। मार्केट में चक्कर वगैरह लगाकर मैं और ठीक है भाई हमारे चंद्र भाई खा रहे हैं आइसक्रीम। बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और गर्मी भी थी तो इसलिए छांव में बैठ के तो गया। तभी शाम में चलते चलते पकौड़ों का सीन हो गया तो वो ही खाते हैं। अब गर्मा गर्म पकौड़े निकल रहे हैं। पकौड़े गर्म गर्म पकौड़े ताजे गर्म पकौड़े। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को लगाते हैं फुल स्टॉप और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस मेले के बारे में प्यारा सा कमेंट करें। हर महादेव सदाशिव। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय। अम्मो और सीके भाई आए थे ऐसे ही दुकानदार को परेशान करने के लिए, तो अभी मूड हो गया उसको परेशान करते करते कि भाई आइसक्रीम लेंगे। वाओ रेड ब्रो यार।